बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेली तड़का में खुश आमदीद। अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो भी आए आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच चुकी है। ठीक है, और चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज जो डेली तड़का में हम बनाने जा रहे हैं वो क्रीमी चीज़ पास्ता है। ठीक है, क्रीमी चीज़ पास्ता के लिए जो हमें चाहिए इंग्रेडिएंट वो आपके सामने आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे हैं और मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले हमें पास्ता एक पैकेट, ठीक है, ये मैंने ट्विस्ट पास्ता लिया है इसके लिए, और ये जो है पूरा एक पैकेट है। साथ में मैंने चिकन ली है, 250 ग्राम की चिकन है। फिर मुझे चाहिए सिरका, आधी प्याली सिरका है। मसाले में मुझे चाहिए ओरिगानो, जो कि 2 चाय के चम्मच ओरिगानो है। थाइम मुझे चाहिए, वो भी 2 चाय के चम्मच थाइम है। मेरे पास है वाइट पेपर यानी दखनी मिर्च, ये भी 1 चाय की चम्मच ये है। काली मिर्च ये 2 चाय की चम्मचियाँ हैं। नमक हसबे जायका और चिकन पाउडर ये मैंने आधी चाय की चम्मच लिया है। साथ में जाएगा सोया सॉस, ये जो है 2 चाय की चम्मची ये है। अब जो सॉस बनाने के लिए मुझे चीज़ें चाहिए वो सबसे पहले हम लेंगे मैदा, और मैदा है 250 ग्राम मैदा। ठीक है, दूध चाहिए मुझे 1 प्याला, मैंने भर के दूध का लिया है। मुझे क्रीम चाहिए, क्रीम के मैंने 2 खाने के चमचे क्रीम के लिए हैं, और चीज़ क्रीम ली है मैंने, और ये भी मैंने 4 खाने के चमचे चीज़ क्रीम के लिए। ठीक है, चलिए अब इसको बनाते हैं। जी अब हम इसको बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सही है, मैंने तेल अपना पहले से गरम कर लिया था। तेल मैंने लिया था, ज़्यादा तेल नहीं लेना इसके अंदर, सिर्फ 2 खाने के चम्मच मैंने तेल के लिए हैं। और फिर मैं अपनी चिकन इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने अपनी चिकन डाल दी सारी, मैं चिकन ऐड कर चुकी हूँ उसके अंदर। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि मैंने अपना पास्ता जो है वो बॉईल करने रख दिया है। ठीक है, अब मैं इसको भून के अब इसके अंदर। अच्छा, अब ये हो चुकी है चिकन मेरी भुन चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वाइट पेपर। ठीक है, लेकिन मुझे इसके अंदर पूरी पूरी जितनी मैंने आपको बताई थी यानी 1 चाय की चम्मच ये पूरी ऐड नहीं करनी है, हाफ मैं इसके अंदर अभी ऐड करूँगी। ये देखिए, मैं हाफ इसके अंदर अभी ऐड करूँगी और हाफ जो है वो मैं सॉस के साथ ऐड करूँगी। अब ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर जो मैंने आपको बताई थी 2 टीस्पून के करीब मैंने अपनी आपको ब्लैक पेपर बताई थी, अब मैं हाफ इसके अंदर डालूंगी और हाफ मैं सॉस के साथ डालूंगी। आपकी मर्ज़ी, आप पूरा डाल दें इसके अंदर, लेकिन मैं सॉस के साथ डालूंगी तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है सॉस के साथ। भी अब मैं डालूंगी चिकन पाउडर। अच्छा, चिकन पाउडर मैं अपना पूरा इसके अंदर अभी ही शामिल करूंगी। अब मैं डालूंगी नमक, क्योंकि मैं अभी मैंने ज़्यादा इसमें नहीं डाला है क्योंकि मुझे भी इसके अंदर सोया सॉस वगैरह भी ऐड करना है। चिकन को हमें गलाना नहीं होता इसके अंदर, क्योंकि चिकन की आपने बोनलेस ली हुई है तो ये बहुत जल्दी से हो भी जाती है अपने फ्राई होने में ही। ठीक है, अब मैं डालूंगी इसके अंदर ओरिगानो, ओरिगानो डालूंगी मैं इसके अंदर। Thank you.
और सोया सॉस। ठीक है, अब इसको हमें मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से, इसको भूनना है। ठीक है, अब फिर इसके अंदर हमें सिरका ऐड करना है। अच्छा, सारा सिरका मैं अभी भी नहीं डालूंगी, सिरका भी मैं ऐसे ही डालूंगी जैसे मैंने बाकी सारी चीजें डाली हैं, हाफ हाफ करके। ठीक है, अब ये चिकन तो हमारी हो गई है रेडी। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी क्रीम, जो कि मैंने आपको बताया था 2 टेबलस्पून है, लेकिन मैं हाफ ही डालूंगी इसके अंदर और हाफ मैं बाद में ऐड करने वाली हूँ। ठीक है, ये आपने देख लिया कैसे क्रीमी सा टेक्सचर आना शुरू हो गया इसके अंदर, क्रीम पट गई। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगी उसी सेम मेथड से, हाफ। ये मेरे पास क्रीम चीज़ है, मैंने वो ऐड कर दी है। जी, अब इसको हम मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से। ये देखिए, ठीक है, अब हम इसको साइड पे कर लेंगे। फिर अब हम दूसरी सॉस बनाते हैं, जैसे इसको कुक करेंगे 5 मिनट के लिए, फिर इसको हम अपनी दूसरी सॉस की तरफ इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। जी, अब अभी मैंने पैन अपना पतीली अपनी गरम कर ली है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर मैदा भूनूंगी। अच्छा, एक बात का ध्यान ये रखना है कि पतीली ज़्यादा गर्म ना हो और बॉटम जो है ना इसकी थोड़ी सी मोटी लीजिएगा, ताकि पतीली आपका मैदा आपका नीचे से जले नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमने अब कोई ऑयल नहीं डालना है, इसको हल्का हल्का सा भूनना है। इसको हमें रोस्ट करना है जैसे हम हलवे बनाने के लिए करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसको करेंगे। और ज़रा सा भी इसके अंदर पानी या किसी चीज़ का छींटा भी नहीं देंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल इसका कलर भी चेंज नहीं करना है, इसको ब्राउन नहीं करना है, लेकिन इसका कच्चापन जो है वो हमें ख़त्म करना है। इतनी देर तक इसको हमें भूनना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब ये देखिए, हमारा तकरीबन भून चुका है। अच्छा, इसको तेज़ आंच के ऊपर हम नहीं रखेंगे, क्योंकि इसका कलर ना हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, वाइट हम बना रहे हैं तो इसलिए वाइट ही रहेगा ये मैदा हमारा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध, और दूध भी हम पूरे एक प्याला ऐसे ऐड नहीं कर देंगे, बिल्कुल हल्के हल्के से ऐड करते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए अब ये लगना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए जी अब देखिए ये इस तरह से हो जाएगी। जब हमने दूध डाल दिया था उसके अंदर, और उसको अच्छे से खूब देर तक इसको चमचे चलाते रहना है, ताकि इसके अंदर फुटकियां ना पड़े। और आप जब भी मैदे के अंदर मैदे का ऐसा काम करते हैं तो उसमें लाजिम फुटकी पड़ती है, तो उसके लिए आपको मुसलसल इसको चमचा चलाते रहना होता है। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर पानी, अब मैंने पानी ऐड नहीं किया था, मैं पानी ऐड करूँगी। अब मैं इसके अंदर 2 ग्लास पानी ऐड करूँगी और हाफ हाफ करके करूँगी। ठीक है, उसको ना मुझे ज़्यादा इसको पतला करना है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना, क्योंकि ये थिक तो
बुरी होता रहेगा ये। सॉस बनाने के लिए भी हम इसको ये देखें, और मुसलसल चमचा चलाते रहना है वरना फिर फुटकियां पड़ सकती हैं आपके सॉस बनने से पहले ये ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये फौरन जेलेटिन की तरह से होना शुरू हो जाता है। अब देखें ये हमारा सॉस जो है ना बिल्कुल तैयार, बिल्कुल तो तैयार नहीं हुआ लेकिन बॉइलिंग पे आ चुका था और इसकी इस तरह से ये गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसके अंदर फर्दर अपना सामान ऐड करूँगी जो कि मैंने आपको बताया था, बची हुई चीज़ क्रीम थी मेरे पास, मैं वो ऐड कर रही हूँ और फौरन के फौरन इसको चलाते रहना है क्योंकि क्रीम जो है ना वो गरम गरम में जाते ही फट जाती है। अब मैं साथ में ही इसके ऐड करूँगी क्रीम चीज़, ये भी गरम गरम में जाते ही फटती है तो इन सबको इसकी फुटकियाँ ना बने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये बननी शुरू हो गई लेकिन हमें इसको पकाते रहना है देर तक। अब मैं इसके अंदर डालूँगी दक्कनी मिर्च यानी वाइट पेपर जो कि मेरी पास बची हुई थी, और इसको अच्छे से मुझे चलाते रहना है। अच्छा अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ, ठीक है, नमक आप टेस्ट भी कर लीजिएगा अगर आपको कम लग रहा हो तो ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें कम रखा था तो इसलिए मुझे इसमें डालना था। अच्छा अब मैं इसके अंदर सिरका डालूंगी और थोड़ा सा सिरका मुझे कम लगेगा तो मैं अपने मैक्रोनी या पास्ता के साथ ही डालूंगी, ठीक है। अब ये देखें मैं इसको चला रही हूँ, उसको मुसलसल चलाते रहना है, ठीक है। इसका बॉयल आना शुरू हो चुका है और ये बॉयल आता रहेगा और इसको आप चलाते रहें और साइडों से साफ़ करते रहें क्योंकि ये जलना फौरन स्टार्ट कर देता है। अब मैं इसके अंदर चिकन डाल रही हूँ, ठीक है, और इसको तेज तेज हमें चलाते रहना है, इसको रोकना नहीं है हाथ को। मेरी चिकन सारी इसमें चली गई है और इसको पकाते रहना है जी। अब हमने चिकन डाल के इसको मिक्स कर लिया था, अब इसको हमें इतनी देर तक पकाने के लिए गाढ़ी हो जाए, आप इसका ढकना भी लगा सकते हैं और उसको खुला भी पका सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना पड़ेगा ढकना लगा के कि ये जले नहीं, ये लगती बहुत जल्दी से है इसलिए इसको। अब मैं इसको ऐसे ही चमचा डाल के रख दूँगी इसके अंदर और उसको 5 मिनट तक मज़ीद पकाऊँगी ताकि ये मेरी सॉस गाढ़ी होनी शुरू हो जाए, फिर इसके अंदर हम पास्ता ऐड करेंगे। अब ये गाढ़ा हो चुका है बिल्कुल, देखें इसको इस तरह से ही गाढ़ा होना चाहिए, ना पक चुका है। अब मैं इसके अंदर अपना पास्ता ऐड करूंगी, मैं पास्ता ऐड करने कर रही हूँ इसके अंदर। जी देखें अब ये इस तरह से हो गया। अब मैं इसके अंदर, मुझे सिरका कम लगा था, अब मैं इसके अंदर पूरा सिरका ऐड कर दूंगी, ठीक है। ये मैंने सिरका ऐड कर दिया और अब आखिर में ओरिगानो और बिल्कुल आखिर में थाइम, और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इन हर्ब्स की जो स्मेल खुशबू होती है फ्रेग्रेंस होती है ये ख़त्म ना हो, और मज़ा ही इसी से आता है इन हर्ब्स से। जी देखें अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है मेरा वाइट सॉस पास्ता, अब मैं इसको डिश आउट करूंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको डिश आउट करते हैं। जी ये हमारी लुक है, फाइनल लुक है डिश की, क्रीमी चीज़ पास्ता के, ठीक है, वाइट सॉस क्रीमी चीज़ पास्ता।
आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और लास्ट में वही बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए। नाम आपको पता ही है, डेली तड़का, और हमारा फेसबुक पेज भी है डेली तड़का का, उसको भी लाइक और कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझे। और जो हमें फॉलो करते रहते हैं हमारी वीडियोज़ को, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें फीडबैक ज़रूर दिया करें कि हमारी वीडियो में आपको क्या कमी लगती है, और आप हमें हमसे क्या चीज़ नहीं सीखना चाहते हमें उसके बारे में भी आप बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उस हफ्ते के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब डेली तड़का चैनल, प्रेस बेल बटन, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।